तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा आपने शुरू में आर्ट देखा, वो आर्ट मैं आपको बता दूँ मिड जर्नी क्रिएट नहीं किया गया, वो आर्ट क्रिएट किया गया बिंग के थ्रू। तो जैसा गूगल को हराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अब चैट जीपीटी के साथ बिंग में एपीआई का फीचर्स लाया, जिसमें आप बिंग में चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो भी GPT-4 को, वैसे ही उसने क्या किया, अब ओपन एआई की मदद से उसने क्या कि डॉली टू को भी अपने बिंग में ऐड कर दिया। डैट्समीन अब आप कोई भी आर्ट जनरेट करना चाहते हो तो वो आर्ट आप जनरेट कर सकते हैं बिंग में जाकर। इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस टूल को कि वो कैसे वर्क करता है और आपको वो कैसे फ्री में मिलेगा। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको सिंपली इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। बिंग के नाम से जो ऐप आता है वो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। देन आपको ऐसा शो करेगा जहाँ पे पहले आपको क्या करता था, यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन शो करता था जहाँ पे आप GPT-4 को यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज क्रिएटर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्ट को क्रिएट किया गया पहले से, जैसा कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे बहुत से पहले से आर्ट जनरेट हो किए गए लोगों ने किया है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेने के बाद आप अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सरप्राइज मी का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे आप क्या आता है ऑटो फ्रंट कोड यहाँ पे आपको आता है। मतलब डस्टबिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्रंट कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसका मदद ले सकते हैं। देन आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपको स्पीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको 25 मिलता है। ऐसा नहीं है कि 25 पे खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप यहाँ पे आर्ट जनरेट नहीं कर सकते, बस आपका स्पीड जो है, जो स्पीड बूस्ट है वो हो जाएगा लो, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बस यहीं पर एक ये इसका एक फीचर है, आप जो इसे सही समझे या गलत समझे वो आप पे डिपेंड करता है। और जैसे आपका यहाँ पे आर्ट जनरेट हो जाए तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था एस्ट्रोनॉट्स स्केट बोर्डिंग इन स्पेस पिक्सल आर्ट्स। हम कुछ और क्रिएट करके देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे क्रिएट। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड अ स्मार्ट बॉय स्टैंडिंग इन अ साइंस एंड लैब फील्ड विद ब्रेकर्स। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और ये जितने भी वेबसाइट का लिंक है और जितने भी मिड जर्नी के अल्टरनेटिव है, आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। डैश में मैं आप एक एआई टूल का पेज मिलेगा और उस पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ किसी भी एआई टूल की ज़रूरत है तो आपको हर वेबसाइट का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरे वेबसाइट पे जाना जिसका नाम है gaurav.com और एआई टूल पे जाने के बाद आपको सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है। और वहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारे मैं वेबसाइट को ऐड करूँगा। देन आपको क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आर्ट जनरेट होना शुरू होता है। आपको यहाँ पर लोडिंग वाला ऑप्शन शो करेगा और नीचे आपका इमेज यहाँ पर शो करेगा कि आपने रिसेंट क्या क्या जनरेट किया। और देख सकते हैं आप यहाँ पे एक परफेक्टली इसने आर्ट जनरेट करके दिया, जैसा हमारा प्रॉम्प्ट कोड था उसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे आर्ट जनरेट करके दिया, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने स्मार्ट बॉय लैंडिंग इन अ साइंस लैब फील्ड विथ अ ब्रेकर्स टेबल लैब्स, आप देख सकते हो तो सेम वही है कि एक स्मार्ट बॉय है, लाइक बच्चा है जो कि अगर एक साइंस लैब में है और उसके साथ क्या कह रहा है, एक जो भी मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के साथ ये क्या कर रहा है, जो भी मतलब यहाँ पे साइंटिफिक अपना जो भी कर रहा हो, साइंस उतना समझ नहीं आता तो ये अपना वो जो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप का यहाँ पे आर्ट जनरेट कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको जो भी आर्ट पसंद आता है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट कोड आपको बताया था और जैसे मैंने आपको बोला था, प्रॉम्प्ट कोड हर एक प्रॉम्प्ट कोड आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पर। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सिंपली आपको इस पर डाउनलोड कर लेना है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये साइबर पंक का इमेज जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम एक और इमेज जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मैं जाता हूँ चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी में क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट कोड लिखता हूँ यहाँ पे, प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करता हूँ। कोई भी प्रॉम्प्ट कोड हो मिड जर्नी का, कोई या कोई भी, ऐसा नहीं मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट कोड अलग होता है, हर अलग आर्ट का अलग होता है, सबका एक ही होता है। इट्स अ डिपेंड ऑन प्रॉम्प्ट कोड के प्रॉम्प्ट कोड में क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर साइबर पंक लिखा तो यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करना शुरू कर दिया। और आपको नहीं पता है कि कैसे प्रॉम्प्ट कोड जनरेट हो रहा है सिर्फ मिड जर्नी के लिए या जो भी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया तो आप वो वीडियो जरूर जाके एक बार चेक कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं फिर से जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग पर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। देन क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है आपको और देखते हैं इसमें मैंने V5 और 60:9 रेशियो यहाँ पर ऐड किया है तो ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आप 60:9 रेशियो ऐड करते तो ये उतना खास वर्क नहीं कर रहा है। और जो यहाँ पे आर्ट जनरेट किया इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर पंक के रिलेटेड जो भी आर्ट हो इसने यहाँ पे जनरेट किया है। तो सिंपली मैंने एक और आर्ट यहाँ पे जनरेट किया और ये आर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट इसने आर्ट क्रिएट किया है।
और इन जैसे मैंने आपको बता दूं ये डॉली टू से अटैच है, तो डॉली टू में जैसे आप आर्ट जनरेट करते हैं सेम आर्ट आप वैसे ही आर्ट आप यहाँ पे भी जनरेट कर रहे हैं। डैट मीन्स डॉली टू में आप देखे होंगे तो वो क्या करता है इसी टाइप का आर्ट जनरेट करता है, तो जो देखने में परफेक्ट लग रहा है। और जब तक मिड जर्नी काम नहीं कर रहा है तब इससे भी काम चला सकते हैं। या इससे पहले मैंने और भी अल्टरनेटिव बताया मिड जर्नी का, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो जाकर वो वीडियो जरूर देखें, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपको ये बताएं कि क्या मिड जर्नी से ये सच में बेहतर है या नहीं है।